अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वंडरफुल डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। भाई आज तो इतना कोई हसीन मौसम है ना, बाहर इतनी ठंडी मजे की हवा चल रही है। लेट मी शो यू गाइस फर्स्ट। ओह एंड आई जस्ट कॉट एन एरोप्लेन। इतनी मजे की हवा चल रही है आज, और ये हल्का हल्का कभी कभी, जैसे अभी हल्की सी बादलों के पीछे से धूप आ रही है ना, थोड़ी सी कभी कभी ऐसे सी आ रही है, वरना अदरवाइज इट्स ऑल सो क्लाउडी एंड प्लेजेंट। और मैंने सारी जो है ना घर की खिड़कियां दरवाजे वगैरह खोल दी हैं, तो बहुत ही मजे का मौसम चल रहा है। और आज भी मुझे जोश चढ़ा था घर की ना डीप क्लीनिंग करने का, दैट आई डिड। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सुपर क्लीन एंड फ्रेश। लिविंग रूम, रूम्स, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने इवन अपनी ये जो है ना वैनिटी, इसको भी मैंने इसकी एक एक चीज़ हटा के, इस डिश से सारे परफ्यूम्स वगैरह हटा के, ये सारी चीज़ें, डिशेस भी, मतलब ट्रेस भी क्लीन की हैं इवन। और हर चीज़ के ऊपर से डस्टिंग की है। फिर मैंने वैक्यूम का फिल्टर साफ किया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई मुझे ना हो गया फ्लू। मतलब आई हैव डस्ट एलर्जी, आई न्यू दैट। तो वो फिल्टर साफ करने से ना वैक्यूम का वो चढ़ गई मेरे ऊपर, और अभी इसीलिए ना आई साउंड सो डिफरेंट, बट दैट्स ओके। मैंने एंटी हिस्टामिन ले लिया, तो आई होप आई विल बी फाइन सून। और आज बेयर मी इन माय पीजेस, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कपड़े चेंज करने का या कुछ भी ऐसा करने का, सो आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। अभी जो है मैंने बाकी पूरी सफाई करी है, लेकिन किचन वाला एरिया रह गया थोड़ा सा। मुझे अपनी कॉफी मशीन को करना है डी स्केल, वो करते हैं अभी। ये वाला जो है ना, इसके इसको मैं सारे पॉट्स वगैरह निकाल के आई वांट टू वॉश दिस। और ये देखें, ये जो कैप्स है ना, अब वीडियोस में ना जनरली पता नहीं चलता है, लेकिन इनके ऊपर ऐसे हल्की हल्की सी डस्ट आई हुई है। ये देखें, इट विल कम ऑन माय, बस वो कैमरा में दिखता नहीं है, बट रियल आंख को दिखता है, सही है। लाइक वाइज ये जो मेरा स्पाइसेस वाला रैक है ना, ये देखें, अभी आई ट्राइड टू क्लीन इट विद टिश्यू या डस्टर, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि इस पर ना ग्रीस है, जैसे ऑयल वगैरह यहाँ पे कुकिंग होती है ना, तो ऑयल वगैरह पड़ता है, तो ये ग्रीस ही हुआ है। ये सारी चीज़ें निकाल के मुझे इसको वॉश करना है, और बस ये करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना, ये बैग है रानिया का पुराना वाला, तो रानिया गॉट अ न्यू बैग, तो मैं सोची थी इसको ना मैं डिस्कार्ड नहीं करती, नीचे रखाती हूँ घर की साथ साइड पे ना। पीपल डू दैट, कि अगर आपके सब पास कुछ एक्स्ट्रा है ना, तो वो जस्ट, मैं भी आपको नीचे चल के दिखाती हूँ, वहाँ रख दें तो कोई भी जो नीडी अनप्रिविलेज्ड पीपल होते हैं ना, वो आके ले जाते हैं। बल्कि इसके अंदर ना एक और बैग भी है, रानिया के पास बैग्स ही बैग्स हो गए थे, एक और ये वाला बैग भी है, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बस देखो, ये मैं नीचे रख के आती हूँ, और वापस आके जो है ना किचन की सफाई करते हैं, लेट्स गो। जो है ना ये चीज़ें मैं आपको ऊपर अपनी बालकनी में खड़े होकर दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ से दिखा देती हूँ। जैसे ही हम अपनी यहाँ से स्टेयर्स से नीचे आते हैं ना, ये नीचे बेसमेंट को जाता है हमारा रास्ता, दिस इज़ द बेसमेंट पार्किंग। और ये जो है ना हमारा कम्युनिटी का पूरा लॉन है इस तरह से। ये क्यों लिखा है रानिया, पूल एरिया विल बी क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू सेफ्टी, वी अपोलोजाइज फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। एनीवेज, ये जो है हमारा सारा लॉन है, और यहाँ पे ये साथ ही स्विमिंग पूल है, और यहाँ से हम जाते होते हैं, कमान रानिया बाहर। रानिया जो है वो भी मेरी हेल्प करने जा रही है साथ, क्योंकि हमें नीचे गार्बेज भी डालना था। ओके, ये जो है ना हमारे घर के सामने पार्क है, ये इसका एंट्रेंस गेट है, ये वाला, सही है। और यहाँ पे ना आजकल कोई शेक्सपियर का शो चल रहा है, मैंने आपको शायद पहले व्लॉग में भी दिखाया था, तब उसकी, हेलो, तब उसकी रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी, तो अभी वो शो स्टार्ट हो गया है, इसलिए ये इतना यहाँ पे सारी यू नो कार्स वगैरह पार्क की हुई है सब लोग ने, वरना जनरली यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता, सिर्फ जो बिल्डिंग्स के आसपास के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उनकी कार्स होती हैं। और वैसे भी अभी तो यस, अच्छा रानिया ने इस पोल के नीचे से आपको करतब दिखाना है गुजर के। ओके रानिया, वी गॉट दैट, थैंक यू। और ये जो है ना हमारा डस्टबिन है कम्युनिटी का पूरा, ये बड़ा वाला, पास जाके आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे अपना गार्बेज डालना होता है, और वीक में दो दफ़ा जो है ना वो ट्रक वाला, गार्बेज ट्रक वाला आता है, वो ले जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, यहाँ पे ये स्कूटीज होती हैं, इस तरह आप इसकी ऐप कर लेते हो अपने फ़ोन में, और फिर फ़ोन के थ्रू ही, मतलब कार्ड के थ्रू ही आपकी पेमेंट हो जाती है। या अगर आपको चलना नहीं है, तो आप जो है ये स्कूटी लेके कहीं भी चले जा सकते हो, हेलमेट भी साथ लगा हुआ होता है। वो देखें, वो सामने
वो जो फोन बूथ है उसके पास भी एक ठहरी हुई ऑरेंज कलर की ना, उस पर भी हेलमेट लगा हुआ है. तो यू हैव टू लीव इट एट अ सेफ स्पेस विद द हेलमेट आफ्टर योर राइड इज फिनिश्ड. तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपने गाड़ी पे नहीं जाना और वॉक भी नहीं करनी तो यू कैन जस्ट टेक दिस स्कूटी राइड. चलो जी, ये देखें इस तरह ये दोनों बैग्स हमने रखनी है, तो ये आते जाते जो भी बंदे गुजरेंगे इफ दे नीड इट दे'ल जस्ट टेक इट. नाउ लेट्स गो बैक होम. ओके हरी अप प्लीज. रानिया ने बोला था मैं नीचे आऊंगी, ये इसको ये ना रास्ता पसंद है बीच में गुजर के जाना इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट एंड गेटिंग देयर. तो उसको है कि मम्मा आपने ये वीडियो में दिखाया है कि हाउ डू आई गो. ओके रानिया, इनफ ऑफ योर करतब मामा, आई रिकॉर्डेड इट. ऑलराइट गाइस, वी आर बैक अपस्टेयर्स. अब जो है ये वाला सामान सारा पहले नीचे उतारते हैं. ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, माई गुडनेस, सो निगलेक्टेड. इसका सामान पहले सारा नीचे निकालते हैं, फिर इसको वॉश करके ड्राई करते हैं. ओके राइट गाइस, एकदम चकाचक साफ हो गया ये, जस्ट लुक एट दैट. और 5 मिनट भी नहीं लगे हार्डली ये करने में, तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था. एंड आई थिंक आई शुड स्टॉप वर्किंग नाउ, क्योंकि मेरी ना छींकें नहीं रुक रही, मुझे शदीद वाली एलर्जी हो गई है. बस इसको वापस ऑर्गेनाइज करते हैं. लेकिन अभी दो काम हैं जो मुझे करने हैं, एक मुझे माइक्रोवेव साफ करना है अंदर से, और एक मुझे अपनी कॉफ़ी मशीन जो है ना वो डीस्किल करनी है, और उसका वो पॉट कंटेनर साफ करना है. बस ये करके देन आई एम गुड फॉर नाउ गाइस. अब यहाँ पे जो है रिंसिंग चल रही है हमारी कॉफ़ी मशीन की, और ये देखें अंदर से कितना गंदा पानी निकला. गंदा तो नहीं है खैर, मतलब वो कॉफ़ी का ही कलर है ऑफकोर्स, बट यू सी दिस लिटल पार्टिकल्स. और ये देखें अभी जो मज़ीद आ रहा है अभी सेकेंड राउंड, उसमें भी ये पार्टिकल्स आ रहे हैं. तो ये ना अगर अंदर जमते रहें बहुत देर से तक, तो ये आपकी कॉफ़ी मशीन को ना क्लॉक कर देते हैं. तो उसकी प्रिवेंशन के लिए इसको वंस इन अ मंथ आप कह लें, या कभी कभी मैं 2 महीने के बाद भी कर लेती हूँ, इस तरह रिंस कर लें तो इसका जो है ना सही रह जाता है सिस्टम सारा. तो बस ये चल रहा है हमारा. इसके पार्ट्स भी मैंने सारे अलग अलग निकाल के ना वॉश कर लिए अच्छे से. As another task accomplished, ये हमारा बॉन धुल गया है. और जब मैं इसको वॉश करी थी ना तो आई रियलाइज के वेट यार क्या हो गया तुम्हें, ये जो टी कॉफ़ी शुगर वाले जार्स थे ना इनका भी जो है ना उनके जो कवर्स थे ऊपर से वो भी मैले हो रहे थे. तो मैंने कहा लगे आ तो इनको भी धो लेती हूँ, वो धुल गए. अब बस आई जस्ट रीफिल द बॉन विद माई कॉफ़ी पॉट्स. और आज मैं डिनर के लिए बनाने लगी हूँ भिंडी गोश्त, तो मैंने उसकी भी साथ साथ तैयारी कर ली है, चीज़ें वीज़ें काट ली है, ये बनेगा कुकर में. तो लेट्स कुक दिस एंड देन I'll be finally free, totally free, cooking से भी और हर चीज़ से. तो बस खाना बना लूँ मैं जल्दी से और इनको रीफिल करते हैं पॉट्स को. ओके जी, everything is back in place. प्रेशर कुकर में बनाएंगे अपना खाना. और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे किचन में ना काम करने का भी मज़ा आता है. यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि भिंडी जो है ना वो फ्रोज़न इस तरह आपको साफ़ सुथरी कटी कटाई मिल जाती है. एंड बिकॉज इट्स फ्रोज़न तो ये ना गल भी बहुत जल्दी जाती है. और ये रहा हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड एवरीथिंग इज सेट. नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग. आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू गाइस द रेसिपी बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, एवरीवन नोज हाउ टू कुक अ भिंडी गोश्त, बट आई विल डेफिनेटली शो यू द फाइनल लुक. आवर भिंडी गोश्त इज ऑलमोस्ट रेडी. पहले जो है मैंने प्रेशर कुकर में मीट गलाया था, और अब जो है ये बस इस तरह भिंडी वगैरह डाल के सारे मसाले डाल के मैं इसको हल्का सा दम दे रही हूँ. एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी. कांट वेट टू ईट दिस गाइस. रानिया मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है. रानिया प्लीज नहीं डालो. रानिया गाइज, आज 12 रबीउल अव्वल है. माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो. लेकिन मैं सोच रही थी कि हम देखें कि किचन जो है वो कैसे साफ रहे. हमारी तो हर सेलिब्रेशन जो है ना वो मीठे से शुरू होकर मीठे पे ख़त्म होती है, या खाने पीने पे इन जनरल. तो भाई मैं वीडियोज़ और वो पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पर देख देख के ना मेरा भी दिल क्या कर गया कि मैं सूजी का हलवा बना के खाऊँ. और अब बस आई एम मेकिंग सूजी का हलवा. यहाँ पर मैंने कभी नहीं बनाया था, इधर आके ही बनाना शुरू किया है. एंड आई केम टू नो इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू मेक ऑन अर्थ. मतलब आपने ना 3 चीज़ों के बराबर हिस्से रखने हैं, चीनी, घी और सूजी के. और जो पानी होता है ना वो डबल होता है, या मतलब अगर आपने 3 कप पिया है तो 3 कप पानी, सॉरी 1 कप सूजी के पीछे. कुछ लोग डबल डालते हैं, कुछ लोग 3 कप भी डालते हैं. वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जितना भी डालें ना पानी वो सूजी पी लेती है और फूल जाती है. तो यहाँ पर मैंने क्रश कर दी है इलायची. और ये जो है ना मैंने ना बादाम और अखरोट का ना इस तरह पाउडर सा बना लिया. तो ये भी आप पाउडर फॉर्म में हलवे के अंदर ऐड करें तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है. तो चलें सूजी का हलवा बनाते हैं. और यहाँ पे ऐसा कोई बांटने बूंटने वाला सीन तो नहीं होता,
लेकिन चलें दरूद पाक वगैरह पढ़ के खुद थोड़ा सा खा लेते हैं। सो लेट्स मेक सूजी का हलवा। ऑलराइट, जो घी जो है ना हमारा वो मेल्ट हो गया है। रानिया इज हेल्पिंग मी टू स्टर। यीजू मीजू बच्चा इधर चॉकलेट लगाई हुई है। और बाकी जो है ना, अब घी थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूंगी इलायची, ताकि इलायची का जो है ना अच्छा सा फ्लेवर पूरे घी में रच बस जाए। भाई रानिया ने ना मुझे अभी बहुत एक मजे का हैक बताया। उसने कहा मामा ये जो इसका ये सुराख सा बना हुआ है ना पैन के हैंडल में, इससे ना आप अपना इधर स्पैचुला ठहरा सकती हैं। यू डोंट नीड टू होल्ड इट ऑल द टाइम और पुट इट डाउन। हाउ डू यू नो, दैट्स ऑसम अनु बाबा। खैर इधर जो है हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया क्योंकि इलायची तिलक रही है। तो अब हम इसमें डालते हैं अपनी सूजी और इसको अच्छे से भून लेते हैं। यस नानिया, गाइस आई नो दैट बिकॉज़ ऑन द स्पैचुला ऑन द स्टार्टिंग इट हैज दैट सेम मार्क। वाओ ऑसम। चलो बस जल्दी जल्दी से ना इसको, जो खुशबू आई है ना इलायची और हलवे की एक मिक्सी होके भुनाई वाली, ओए हो ऑसम। अच्छा ये जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग तीन ही हैं खाने वाले और फिर वी आर लिटिल डाइट कॉन्शियस एज वेल, तो मैं चाह रही थी कि बस इतना बनाऊँगी हम अभी खाएं और वो अभी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैंने आधा आधा कप लिया, आधा कप सूजी, आधा कप चीनी, आधा कप घी, सही है। तो उस हिसाब से फिर मुझे जो ड्राई फ्रूट जो मैंने ग्राइंड किया ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये भी मैं इसका हाफ डालूंगी, पूरे नहीं डालूंगी। बट आई थिंक वी कैन ऐड दीज एट दिस पॉइंट। लेट मी ऐड दिस ऑल। ओके गाइज, अब हलवे को मतलब सूजी को और वो जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था पाउडर फॉर्म में, उसको अच्छी तरह से भून के ना अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अभी जैसे ही पानी को बॉयल आएगा ना, फिर मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी शुगर और फिर बस थिक होने तक इसको हम पका लेंगे एंड आवर हलवा विल बी रेडी। ये देखें भाई, हमारा बहुत मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार हो गया है। अंदर मैंने क्रश करके डाले थे वॉलनट्स और आलमंड्स, तो अभी ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने बस काजू डाल दिए हैं। और बस इसको हम गरम गरम इंजॉय करते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फी अमान अल्लाह। बाय बाय।